स्टूडेंट्स, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे जाके हमारा जो चैनल है बायो क्लासेज बाय प्रदीप शर्मा ब्रैकेट में ACL, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आज हम लेसन 2 को आगे बढ़ाते हैं और लेसन 2 में आज टॉपिक है अपना नर युग्मकोद्भिद का विकास। देखो बेटा, पराकण जो होता है नर भाग है पादप का और इससे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है जब ये जर्मिनेट होता है। अब देखो बेटा, नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो पराग नलिका और दो नर युग्मक युक्त जो संरचना होती है उसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखो यहाँ पराग नलिका है और दो नरयुग्मक हैं, इन्हीं को हम नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं। अब इसका कैसे विकास होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो मैंने पहले बताया पराकण को हम नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या प्रथम अवस्था कहते हैं। अब देखिए बेटा, जो नरयुग्मकोद्भिद है का विकास जो होता है दो चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में? दो चरणों में। पहला चरण तो परागण से पूर्व होता है और दूसरा चरण परागण के पश्चात होता है। परागण क्या होता है बेटा? पराग कणों का मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। आपने पढ़ा होगा पहले क्लासों में। तो एक तो परागण से पूर्व और एक परागण के पश्चात। अब देखो बेटा, परागण के पूर्व जो चरण है वो कहाँ संपन्न होता है? तो परागण से पूर्व का जो चरण होता है वो पराग कोष में ही संपन्न होता है, जहाँ क्या करता है बेटा, पराग कण पोषक पदार्थ ग्रहण करके अपने आकार में क्या करता है बेटा, वृद्धि करता है और इसका जीव द्रव्य विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें एक कोशिका बड़ी वाली कोशिका तो कायिक कोशिका कहलाती है और छोटी वाली क्या कहलाएगी बेटा, जनन कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है और इसका केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाता है, जबकि जनन कोशिका आकार में छोटी होती है और इसका केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है, जिसमें क्रोमेटिन या अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रथम चरण में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड जो चरण है ये फर्स्ट वाले में है, जबकि थर्ड और फोर्थ सेकंड चरण में है परागण क्रिया के पश्चात। अब इसके बाद क्या होगा कि परागण पश्च जो प्रावस्था है ये मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर संपन्न होती है, जहाँ पराकण दो कोशिकाओं युक्त जो पराकण होता है मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर शर्करा और जल का अवशोषण करता है और इसका जो आंतरिक चोल है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, ये जनन छिद्र से रूपांतरित होकर एक नलिका का निर्माण करता है जिसको हम पराग नलिका कहते हैं। इसके पश्चात जैसे ही पराग नलिका थर्ड स्टेज में इसमें बन रही है उसके बाद क्या होगा कि कायिक कोशिका का केंद्रक इस पराग नलिका में चल जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। अब शेष कौन रही बेटा? जनन कोशिका। इस ये जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है ये समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके एक से दो केंद्रकों का निर्माण करता है। ये दोनों केंद्रक कहाँ जमा हो जाते हैं बेटा? पराग नलिका में। तो पराग नलिका और दो नरयुग्मक युक्त संरचना ही क्या कहलाती है बेटा? नरयुग्मकोद्भिद कहलाती है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक था वो था पराग एलर्जी। एलर्जी आप जानते ही हैं कि जो नुकसान पहुंचाए मानव को किसी तरह से, जिनको एलर्जन के कारण होती है, और ये एलर्जन कौन होती है बेटा? विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। देखिए, जो पराकण होते हैं पराकोष के अंदर परिपक्व होते हैं, जहाँ लघु बीजाणु धानी होती है उसमें टैपिटम जो होती है उनके आसपास हम कहेंगे कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स में विशेष प्रकार की प्रोटीन भरी होती है। जैसे ही पराकण बाहर निकलते हैं तो ये प्रोटीन भी बाहर निकलती है और ये प्रोटीन मानव में एलर्जी करती है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दो पादपों के नाम, पादप पराकणों के नाम बताइए जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो इसमें एक तो ज्वार है जिसको हम चीनी पोडियम कहते हैं, इसके पराकण, और दूसरा बेटा कांग्रेस घास है जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं, के पराकण क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। थैंक्स। Have a nice day.